नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ जैन बीना मार्बल इंडस्ट्री से। आज का वीडियो थोड़े टॉपिक से हटके है। हमेशा टॉपिक रहता है मकराना मार्बल का। मार्बल की वीडियोस में बनाता हूँ, टाइल्स की वीडियोस में बनाता हूँ, मार्बल की क्वालिटीज में दिखाता हूँ आपको, डिजाइन्स में दिखाता हूँ आपको सारी। लेकिन आज का वीडियो है कि एक रूम में मार्बल लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा आपको। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं कि सर हमारे एक रूम में मार्बल लगाने का खर्चा कितना लग जाएगा हमें, हम अगर पूरे घर में मार्बल लगाते हैं तो हमारा खर्चा कितना लग जाएगा, हमें किस रेट का मार्बल लेना चाहिए, क्या हमें मिस्त्री कौन सा हमें हायर करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे उनके क्वेश्चंस रहते हैं, वो सब मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि रूम हम पकड़ने जा रहे हैं एवरेज साइज, जैसे कि 10 बाई 10। रूम्स तो रहते हैं 12 बाई 10 हो गया, 13 बाई 14 हो गया, 13 बाई 10 हो गया, 15 बाई 15 हो गया, लेकिन एवरेज साइज हम पकड़ रहे हैं 10 बाई 10। 10 बाई 10 के रूम में 10 को 10 से आप गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट का एक एरिया होता है। अब 100 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, अब उसको आप अपने सुविधा के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके, जैसे आपका होल आपका रूम अगर 200 स्क्वायर फीट का है तो 10 बाई 10 का जो रूम का मैं आपको पूरा खर्चा बताने वाला हूँ उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 200 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा आपको, 500 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1000 स्क्वायर फीट में आपको कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग बिगनिंग है, जिन लोगों की पहली बार मार्बल लगवा रहे या पहली बार नया घर बनवा रहे, तो उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुँचाइए ताकि उन लोगों को भी एक नॉलेज मिले कि मार्बल का खर्चा कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले 10 बाई 10 का रूम मैंने पकड़ा है, 10 बाई 10 के रूम में 100 स्क्वायर फीट मार्बल लगेगा। अब मार्बल तो होता है कि भाई 20 रुपये से लेकर 5000 10000 रुपये तक मार्बल आता है। मकराना का माल आप खरीदेंगे तो मकराना का माल 5000 10000 रुपये तक आता है। बाकी मकराना के अलावा नॉर्मल सभी माल, जैसे इम्पोर्टेड हो गया या फिर मोरवड हो गया, राजनगर वाला हो गया, ये सब 1000 रुपये तक, 1200 रुपये तक आते हैं। मोरवड तो 100 रुपये तक आता है, 100 से ऊपर मोरवड नहीं आता। तो एवरेज प्राइस जो इंडिया में नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली जो एफर्ट कर सकती है, एवरेज प्राइस में पकड़ने जा रहा हूँ 50 रुपये। मैं आज मकराना को नहीं लेकर वीडियो बना रहा हूँ, मैं दुनिया की सभी क्वालिटीज़ को ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूँ। 50 रुपये में एवरेज प्राइस पकड़ रहा हूँ मार्बल की कॉस्ट, और 100 स्क्वायर फीट हमने रूम का साइज़ पकड़ा था। तो 50 रुपये का मार्बल हम 100 स्क्वायर फीट लेते हैं तो हमें 5000 रुपये का मार्बल पड़ता है। 5000 रुपये का हमारा केवल मार्बल आ गया। अब मार्बल लेने के बाद दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि अब मार्बल तो ले लिया, अब उसे लगाना भी तो है, लगाने के लिए हमें लेबर भी चाहिए, अच्छा मिस्त्री चाहिए जो उसको फिटिंग कर सके। तो अच्छा मिस्त्री 12 रुपये से लेकर 25 रुपये 30 रुपये तक आता है। मकराना का जो फिटर होता है, मकराना की जो स्पेशली प्रोफेशनल फिटिंग करता है, वो 25 रुपये 30 रुपये चार्ज लेता है। बाकी नॉर्मल जो आपके एरिया में राजस्थान से बाहर अदर स्टेट्स में जो मिस्त्री होते हैं वो 12 रुपये से लेकर 20 रुपये 22 रुपये तक फिटिंग चार्ज लेते हैं। तो इसमें मैं एवरेज चार्ज पकड़ रहा हूँ, ये भी 18 रुपये, 18 रुपये में लेबर चार्ज पकड़ रहा हूँ। अब 100 स्क्वायर फीट का एरिया है तो 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से वो आपसे फिटिंग चार्ज लेगा। 18 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट के हिसाब से वो आपसे फिटिंग चार्ज देगा। तो 100 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसके हिसाब से 18 रुपये के हिसाब से आपका 1800 रुपये फिटिंग चार्ज बनता है। लेबर कॉस्ट 1800 रुपये फिटिंग चार्ज बनता है। अब लेबर भी हमने कर ली, अब लेबर से हम फिट मिस्त्री से हम ये भी तो पूछेंगे कि भाई साहब आपको सामान क्या क्या चाहिए। वो बताएगा कि मुझे सीमेंट भी चाहिए, मुझे मिट्टी भी चाहिए, मुझे वाइट सीमेंट भी चाहिए, और आपने मार्बल तो ले लिया लेकिन आप बॉर्डर्स भी तो लगवाएं कि बॉर्डर्स के लिए ग्रेनाइट की बॉर्डर्स की पट्टी भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए ना। तो सीमेंट का उससे पूछा, सीमेंट का उसने बताया कि 100 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, ये हमारा खुद का भी टेस्टेड है, हमने खुद भी ये टेस्ट किया है कि 100 स्क्वायर फीट के एक एरिया में 4 बैग सीमेंट के खाली हो जाते हैं, मतलब 4 बैग सीमेंट के पूरे हो जाते हैं अच्छी तरह से मार्बल लगाने में। तो 4 बैग, अब सीमेंट की रेट इंडिया के अंदर 280 रुपये से शुरू होकर 350 रुपये तक की क्वालिटी आती है। आप वंडर लेंगे, बिरला उत्तम लेंगे, बिरला लेंगे, जेके लेंगे, लफार्ज लेंगे, वो श्री सीमेंट लेंगे, बांगड़ लेंगे, जो भी सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज आती है, उस हिसाब से हमने इसमें भी एवरेज रेट पकड़ी है 300 रुपये। 280 से लेकर 350 तक की क्वालिटी आती है, 300 रुपये हमने एवरेज रेट पकड़ी है। 100 स्क्वायर फीट के एरिया में 4 बैग सीमेंट के लगते हैं तो 4 को 300 से गुना करने पर 1200 रुपये सीमेंट का चार्ज हो गया, 1200 रुपये सीमेंट का चार्ज हो गया। अब उसके बाद मिट्टी भी लगती है तो मिट्टी लग जाएगी आपको 50 तगारी। तगारी हमारे एरिया में तगारी बोली जाती है, आपके एरिया में क्या बोली जाती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वो मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ये होती है तगारी। 50 तगारी लगेगी, एक तगारी में मिट्टी फुल भरकर उसका वजन हो जाता है 25 किलो।
तो 25 किलो की 50 तगारी लगेगी, मतलब 1250 किलो आपकी मिट्टी लगेगी। अब सीमेंट भी हमने ले ली, मिट्टी भी हमने ले ली, हमने सीमेंट तो तैयार कर ली पानी मिट्टी और मिलाकर। अब मार्बल लगाने के लिए हमें थर्ड चीज की जरूरत पड़ती है, मेन चीज वो है व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का घोल लगता है, घोल पानी में मिलाकर उसका एक घोल बनाया जाता है, वो ब्लैक सीमेंट के ऊपर उसका घोल का छिड़काव किया जाता है, ताकि जो मार्बल होता है, मार्बल एक्चुअली मार्बल क्या होता है, मार्बल पूरा कांच है, क्रिस्टल है, मार्बल होता है ट्रांसपेरेंट। तो जब नीचे व्हाइट सीमेंट का घोल लगेगा तो सीमेंट पूरी व्हाइट दिखेगी और ट्रांसपेरेंसी के कारण उस मार्बल की 5% व्हाइटनेस बढ़ जाएगी। इसीलिए व्हाइट सीमेंट का यूज किया जाता है। जॉइंट्स में व्हाइट सीमेंट का यूज किया जाता है, जॉइंट्स बिल्कुल पिन होल जॉइंट्स आए, अच्छे जॉइंट्स आए, उसके लिए व्हाइट सीमेंट का यूज किया जाता है। व्हाइट सीमेंट का एक बैग लगेगा 100 फीट एरिया के अंदर, एक बैग 50 किलो का बैग आता है, एक बैग लगेगा। हमारे एरिया में उस बैग की रेट है 900 रुपये, आपके एरिया में क्या है वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे एरिया में 900 रुपये है, तो 900 रुपये तो व्हाइट सीमेंट के हो गए। फिर सबसे बड़ी बात, अब मार्बल भी हो गया, सीमेंट भी हो गई, मिट्टी भी हो गई, व्हाइट सीमेंट भी हो गई, मार्बल तो लगा लिया लेकिन बॉर्डर्स भी लगानी पड़ेगी ना। जैसे ये बॉर्डर है, ये आप देख रहे हो, ये बॉर्डर है, ये 1.5 इंच की बॉर्डर है, ये भी 1.5 इंच की है, ये भी 1.5 इंच की है, और ये 2 से 2.25 इंच है। तो ये बीच वाला तो आप जरूरी नहीं है देना, आप मार्बल का ही कटिंग करके छोटा सा पीस बीच में लगा सकते हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी लगे, सुंदर लगे। उसका भी मैं आपको डिजाइन इसमें दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब बॉर्डर्स कितनी लगेगी, जैसे 10 फीट इसकी लंबाई है, 10 फीट चौड़ाई है, फिर 10 फीट लंबाई है, फिर 10 फीट चौड़ाई है, तो 10, 10-20, 10-30, 10-40 40 रनिंग फिट बॉर्डर हो गई एक साइड की, दूसरी साइड भी 40 रनिंग फिट, तो दोनों मिलाकर 80 रनिंग फिट बॉर्डर हो गई। अब बॉर्डर्स जो होती है ग्रेनाइट की, वो 5 रुपये 8 रुपये से लेकर अनलिमिटेड प्राइस तक आती है, जैसे भी आप चाहें। तो मैंने भी इसमें एवरेज रेट पकड़ी है 15 रुपये, 15 रुपये के हिसाब से 80 रनिंग फिट बॉर्डर लेते हैं तो आपको खर्चा आ जाएगा, मान के चलिए 15 × 80 1200 रुपये, 1200 रुपये चार्ज आपको बॉर्डर का लगेगा। फिर बॉर्डर को ले ली, अब ले मिस्त्री ये बोलेगा कि बॉर्डर ग्रेनाइट की बॉर्डर है और बॉर्डर का चार्ज मैं अलग लूंगा लगाने का, बॉर्डर का चार्ज वो आपसे अलग लेगा। सिंगल बॉर्डर हम लगाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्रीमेंट पड़ा है, हम मार्बल जैसे देते हैं कस्टमर को, हम मिस्त्री भी भेजते हैं उसके साथ, ये एग्रीमेंट है। मार्बल फिटिंग मैंने बताया था आपको, हमारे एरिया में मकराना की जो स्पेशल फिटिंग करते हैं उसकी रेट 25 से 30 रुपये होती है फिटिंग चार्ज। सिंगल बॉर्डर, बॉर्डर लगाने का चार्ज वो 30 रुपये लेता है फिटिंग चार्ज के हिसाब से, अगर बॉर्डर डबल रही तो वो डबल चार्ज लेगा 60 रुपये। अब जैसे मैंने आपका एक साइड का पकड़ा था 40 रनिंग फिट, दूसरे साइड का पकड़ा था 40 रनिंग फिट, टोटल 80 रनिंग फिट, तो आपका जो बॉर्डर का चार्ज ले वो ले, आपका जो फिटिंग चार्ज ले रहा है 18 रुपये, 80 को 18 से गुणा करने पर 1440 रुपये आपका बॉर्डर का फिटिंग चार्ज लेगा वो। बॉर्डर का चार्ज भी हो गया, बॉर्डर भी उसने लगा दी। अब हमारा एक्चुअली मार्बल लगकर तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब फाइनल काम बाकी रह गया है, पॉलिश करवाना। पॉलिश अलग अलग तरह की पॉलिश होती है, 21 तरह की पॉलिश होती है, लेदर पॉलिश भी होती है, मैट पॉलिश भी होती है, ग्रेनाइट पॉलिश भी होती है, सिंपल भी होती है, डायमंड पॉलिश भी होती है, अलग अलग तरह की पॉलिश होती है। लेकिन हम कॉमनली जो आदमी जानता है वो 2 तरह की पॉलिश जानता है, या तो ग्रेनाइट पॉलिश या डायमंड पॉलिश। तो ग्रेनाइट पॉलिश का जो चार्ज चलता है वो 15 से 16 रुपये चलता है, और डायमंड पॉलिश का चार्ज 40 से 50 रुपये तक चलता है। तो हम एवरेज रेट पकड़ते हैं इसके अंदर भी, एक मिडिल क्लास फैमिली के अकॉर्डिंग ग्रेनाइट पॉलिश की 15 रुपये, ग्रेनाइट पॉलिश भी बिल्कुल मिरर की तरह पॉलिश आती है, कांच की तरह, 15 रुपये के हिसाब से 100 स्क्वायर फीट का एरिया है उसमें अगर पॉलिश करवाते हैं तो 1500 रुपये पॉलिश के लगते हैं, और डायमंड पॉलिश अगर हम करवाते हैं तो 4000 से 5000 रुपये पॉलिश के लगते हैं। तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया कि अब एक रूम में हमें कॉस्ट कितनी है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक रूम में हमें कितना चार्ज लग रहा है। जैसे 5000 फीट हमारी मार्बल की कॉस्ट आ गई, 5000 रुपये हमारी मार्बल खरीदने में कॉस्ट आ गई, ये 5000 रुपये प्लस अब हमारी लेबर चार्ज लग गई 1800 रुपये, 1800 रुपये लेबर चार्ज प्लस हमारी सीमेंट के लग गए 1200 रुपये, 1200 रुपये सीमेंट के प्लस हमारी वाइट सीमेंट के लग गए 900 रुपये, 900 रुपये हमारी वाइट सीमेंट के प्लस हमारी बॉर्डर पट्टी हमने खरीदी थी 80 रनिंग फिट 15 रुपये के हिसाब से, उसके लग गए 1200 रुपये, 1200 रुपये बॉर्डर पट्टी के प्लस।
अब उसके बाद बॉर्डर पट्टी ले ली, बॉर्डर पट्टी लगाने का चार्ज भी उसने लिया था, तो बॉर्डर पट्टी 80 रनिंग फिट 18 रुपये उसने फिटिंग चार्ज लिया था, 80 को 18 से गुना करने पर 1440 रुपये हमारे उसने बॉर्डर पट्टी लगाने के लिए थे। फिर सबसे फाइनल काम हमारा पॉलिश करवाई थी हमने, 15 रुपये के हिसाब से ग्रेनाइट पॉलिश, तो 1500 रुपये उसने पॉलिश के लिए थे। 100 स्क्वायर फीट एरिया है, 15 को 100 से गुना किया था 1500, ये हमारा 13,040 रुपये टोटल मार्बल की कॉस्ट पड़ी लगाने की, मार्बल खरीदने से लगाने तक की। इसमें मैंने सैंड को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि सैंड की रेट अलग अलग रहती है, कोई डंपर में मंगवाता है, कोई ट्रैक्टर में मंगवाता है। हमारे यहाँ की रेट 1100 रुपये ट्रैक्टर की ट्रॉली है, आपके वहाँ पे 4,000 होगी, 5,000 होगी, इसीलिए मैंने बस 1250 किलो सैंड है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये लास्ट वाली है, तो उसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसमें सैंड को। अब 13,040 रुपये आपका टोटल लगा, आपका 13,040 रुपये लगा, 13,040 आपका पूरे 100 स्क्वायर फीट एरिया का लगा है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं कि 1 स्क्वायर फीट एरिया में कितना स्क्वायर फीट की रेट के हिसाब से खर्चा आया है, 100 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें 130 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फीट का खर्चा आया है। अब इसमें से हम मार्बल का लेस कर देते हैं, हमने मार्बल जो खरीदा था तो 80 रुपये 40 पैसे पर स्क्वायर फीट का खर्चा हमारा केवल सीमेंट, मिट्टी, वाइट सीमेंट, बॉर्डर पट्टी लगाने का चार्ज, ये भी लगाने का चार्ज और ये पॉलिश, सब मिलाकर 80 रुपये 40 पैसे का खर्चा आया है और 50 रुपये मार्बल का अलग। तो इसी तरह से आपके एक रूम का खर्चा मैंने आपको बता दिया 10 बाय 10 का 100 स्क्वायर फीट का। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके अपने 200 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हैं, दुगुना करके 5 गुना करके 500 स्क्वायर फीट का, और 10 गुना करके 1000 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हैं, और 20 गुना करके आप 2000 स्क्वायर फीट का निकाल सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो नए बिगनर है जो मार्बल पहली बार लगा रहे हैं उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।